हेलो दोस्तों, ट्रिकी अंकित में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए व्हाट्सएप से रिलेटेड एक ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आया हूँ जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और काफ़ी लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों क्या है ये ट्रिक और कैसे वर्क करती है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, ट्रिक ये है कि मान लीजिए अगर आपका कोई दोस्त या फैमिली मेंबर आपका स्मार्टफोन मांगता है और आपको डर सा लगा रहता है कि कहीं वो मेरे व्हाट्सएप के मैसेजेस ना पढ़ ले, व्हाट्सएप के स्टेटस को ना देख ले, तो दोस्तों आज से आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिसके बाद अगर आप अपना स्मार्टफोन किसी को भी देते हो तो वो आपके व्हाट्सएप के मैसेज हो या व्हाट्सएप का स्टेटस किसी को भी नहीं देख पाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना व्हाट्सएप ओपन कर आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी चैट का या ग्रुप का नाम नहीं आ रहा है, सब अननोन आ रहा है। दोस्तों, अगर मैं किसी भी चैट पर क्लिक करता हूँ तो वो ओपन नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपका फ्रेंड आपके स्टेटस में जाकर देखता है तो वहाँ पर भी उसे कुछ भी नहीं दिखेगा। वो अगर आप कॉल्स खोलता है तो वहाँ पर भी कुछ भी नहीं दिखेगा। दोस्तों, उसको लगेगा कि सेटिंग्स में कोई गड़बड़ है, वो सेटिंग्स में जाकर देखेगा तो सेटिंग्स भी ओपन नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी इस ट्रिक को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है व्हाट्स लॉक पासवर्ड फॉर एप्स। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। 4.1 की इसकी रेटिंग है और 1 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया है। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ सेटिंग्स करनी होगी ताकि एप्लीकेशन आपके मोबाइल में ठीक से काम कर सके। दोस्तों, अगर आप सेटिंग्स में कुछ गड़बड़ करते हो तो ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में ठीक से काम नहीं करेगी। तो दोस्तों, मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर लिया है तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या सेटिंग्स करनी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको पासवर्ड यहाँ ऊपर ही दिखा देगा, 1234। तो दोस्तों, जैसे ही ये ओपन होगा आपको यहाँ पर टॉप पर व्हाट्सएप का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसे ऑन कर दीजिए। दोस्तों, व्हाट्सएप के ऑप्शन को ऑन करने के बाद यहाँ नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको फेक व्हाट्सएप का ऑप्शन मिल जाता है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फेक व्हाट्सएप का ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए, यहाँ पर ओके कर दीजिए। दोस्तों, ओके करने के बाद आप फिर से नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको फेक व्हाट्सएप के ऑप्शन पर दोबारा क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन मिल जाता है, क्रिएट फेक शॉर्टकट, आप उस पर क्लिक कर दीजिए और शॉर्टकट क्रिएट कर दीजिए। दोस्तों, क्रिएट शॉर्टकट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे पैटर्न सेट करना होगा, आप इनेबल कर दीजिए पैटर्न लॉक को। दोस्तों, यहाँ पर आप अपना कोई भी पैटर्न चूज़ कर सकते हैं और कंटिन्यू कर दीजिए। फिर से एक बार पैटर्न कन्फर्म कर दीजिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी सेटिंग्स जो कि अब पूरी हो चुकी है। दोस्तों, अब मैं आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी अननोन आ रहा है, स्टेटस में भी कुछ भी नहीं है, कॉल्स में भी कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको अपना रियल व्हाट्सएप ओपन करना है तो यहाँ पर आप नीचे चैट का ऑप्शन देख सकते हैं, आप उसे 3 times क्लिक कर दीजिए, 1 2 3। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पैटर्न पूछ रहा है, आपको वही पैटर्न डालना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरा रियल व्हाट्सएप ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी वो ट्रिक। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।